हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपको आज दिखाऊंगा सर एयरपार्क कैसे ऐड क्लिक इंडिया में आपको पैसा विद्रॉल करो कि इंस्टेंट। तो इस वीडियो में मैं पूरा पूरा जानकारी दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में बढ़ रही है आज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐड क्लिक इंडिया। तो बात करते फिर इस MD का वॉइस में, मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज 10 बजे का बाद से इंस्टेंट विदड्रॉ आना स्टार्ट होगा, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप विदड्रॉ लगाएंगे तो थोड़ा सा धीरज बना के अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड और नेम एकदम अच्छा से देख के उसका बाद ही विदड्रॉ रिक्वेस्ट लगाए, जल्दबाजी में गलत ना डाले, उससे आपका अमाउंट जो है लॉस होने का चांसेस है। और एक रिक्वेस्ट है कि आपका नाम और IFSC कोड हमेशा आप जो है कैपिटल लेटर में ही दे, उसको स्मॉल लेटर में ना दे। और एक बात है, मान लीजिए आप टेक्निकली प्रॉब्लम का कारण कभी किसी का विदड्रॉ अकाउंट से वॉलेट से कट गया लेकिन बैंक में नहीं आया, तो इसमें घबराने वाला बात नहीं है। आप 1-1.5 घंटा वेट करेंगे तो वापस वो अमाउंट जो है आपका वॉलेट में आ जाएंगे, क्योंकि बैंक से कभी कभी टेक्निकली प्रॉब्लम होने के कारण ऐसा हो सकता है। तो ऐसा अगर हो गया, आप एक बार कंपनी का हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके बता दें कि आपका विदड्रॉ कट गया लेकिन बैंक में नहीं आया है, और आप 1-1.5 घंटा वेट करेंगे तो आपको वॉलेट में वापस आ जाएगा और वापस आप विड्रॉ का कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। तो फ्रेंड, कैसे आपको बैंक फिलअप करो कि इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं दूंगा, तो इस वीडियो को बने रहिए, ठीक है। तो मैं ऐड क्लिक इंडिया में लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग भी लॉगिन कर लीजिए, आपका रजिस्टर है तो ऐड क्लिक इंडिया है, देख लीजिए फ्रेंड। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं कर, ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, ठीक है, उसे जाके फॉलो कर लीजिए। तो उसके बाद ID एक्टिव करने के लिए आपको कॉल करूँ, ठीक है, मैं आपको ID एक्टिव कर दूंगा। पैकेज फ्रेंड 1100 रुपये पैकेज, ठीक है। तो अभी मैं उज्जवल करूँगा, मेरा कितना बैलेंस है यहाँ पर शो कर रहा है, जैसे तो 531 रुपीस है, ठीक है, 531 रुपीस। और मैं आपको आज रिक्वेस्ट करके दिखाऊँगा आपके साथ, तो बने रहिए वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना, फिर आपको यहाँ पर IFSC कोड, जैसे कि IFSC कोड कैपिटल पे यहाँ पर डालना बोल रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर कैसे डालना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। एक मिनट यार, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बैंक डिटेल्स पर जाके आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, ठीक है। तो बैंक जैसे यहाँ पर मैंने IFSC कोड तो कैपिटल पर यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो नाम ठीक है और अकाउंट नंबर भी ठीक है, उसके बाद बैक कर लीजिए, ठीक है। बैक करने का आपको क्या करना है, फिर हमको मैं दिखा देता हूँ इंस्टेंट विड्रॉल कैसे करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सीधा जाना है विड्रॉल पर, विड्रॉल पर आपको यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर विड्रॉल ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो विड्रॉल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बोल रहा है आपको पर्सनल डिटेल्स फिलअप करना होगा, आपका नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। तो मैं कोई फिलअप कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको एक मोबाइल पर एक OTP आएगा, तो थोड़ा सा वेट करो, OTP आने दो, ठीक है। OTP आ चुका है, मैं OTP को डाल देता हूँ। वेरीफाई पर क्लिक करना होगा, ठीक है। योर वायरल अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लिखा है फिर से यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, योर IFSC कोड एंड बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर फिर से दोबारा डालना होगा। तो मैं आपको पूरा को पूरा डाल देता हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पर एक मिनट वेट करो, मैं आपको फिलअप कर लेता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड कैपिटल पे IFSC को डालने के बाद आपको अकाउंट नंबर से डालना है, ठीक है, उसके मोबाइल नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद इस पर ऑप्शन पर क्लिक करना, सबमिट पर क्लिक करना होगा, ठीक है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद फिर से एक OTP आएगा बैंक वेरीफाई करने के लिए, तो OTP आने दो, OTP आ चुका है, ठीक है। OTP आने के बाद यहाँ पर आपको डालना होगा OTP को, ठीक है। फ्रेंड OTP में डाल देता हूँ, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। से दोबारा आपको यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, एक बार वेरीफाई करोगे आपको नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, इसलिए मैं वेरीफाई पर क्लिक कर लेता हूँ, मेरा सही है। तो वेरीफाई कर लिया, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है फ्रेंड, बैंक ने हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया, आप लोग भी ट्रांसफ़र कर लीजिए, ठीक है। मेरा पैसा अभी तक आया कि नहीं मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर लिखा है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल देख लो। हाँ, तो IMPS से मैंने 500 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन हो चुका है, 20 रुपीज़ का चार्ज कटा है, ठीक है। तो अभी जल्दी कर लो, ठीक है, ऐड क्लिक इंडिया सच में पैसा दे रहा है। तो अभी तक मैं बैंक चेक करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। बैंक वेट करो, मेरा बैंक पर आया कि नहीं बैलेंस। तो यहाँ पर लिखा है वी हैव सेंड 500 IMPS 20 रुपीज़ चार्ज, और अमाउंट रिसीव 480 रुपीज़। जब ट्रांजेक्शन ID पर दिया है, कंप्लीट ट्रांजेक्शन लिखा है फ्रेंड, तो मेरा अकाउंट पर आया कि नहीं मैं आपको चेक करूंगा अभी, ठीक है, वेट करो।
तो सर मैं या मेरा यहाँ पर आ चुका है बैलेंस, देख लो फ्रेंड मैं आपको ऐड के लिए एक मिनट, मेरा बैलेंस आ चुका है ठीक है। मैं थोड़ी देर के बाद आ चुका है, मैंने थोड़ी देर मतलब 10-15 मिनट बाद आप मेरा अकाउंट पर आ चुका है बैलेंस ठीक है। तो वेट करना, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन शॉट, यहाँ पर मैं फोटो दिखा देता हूँ, क्रेडिट हो चुका है मेरा अकाउंट पर। तो टर्न यहाँ पर एक मिनट, देख रहे हो यहाँ पर बैलेंस काट चुका है ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा आया है कि नहीं, मेरा यहाँ पर मोबाइल एक मिनट, देख लो फ्रेंड यहाँ पर SBI से मेरा 480 रुपीस मेरा क्रेडिट हो चुका है अकाउंट पर ठीक है। तो हाँ, आपको भी इसे ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। ID एक्टिव करना है तो मुझे कॉल करना ठीक है। तो इतना ही फ्रेंड, स्टैंड मिलेगा फ्रेंड इस एड क्लिक इंडिया ठीक है। तो पैसा दे रहा है स्टैंड ठीक है, तो अभी स्टैंड दे रहा है, कब क्या होगा तो कुछ नहीं पता, मालूम नहीं है अभी। तो जल्दी एक्टिव कर ली फिर आपको पैसा आपका खुद आ जाएगी ठीक है, जैसे कि ऐसा ही है। तो बाय दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।